सोलन में हुई बर्फबारी के बाद हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जो फसल के लिए बेहद लाभदायक है और यही वजह है कि किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये बारिश उनके लिए वरदान बनकर आई है। बारिश की वजह से उनके खेत पानी से तर हो चुके हैं। सिंचाई करने के प्राकृतिक स्रोत जो सूखने के कगार पर थे, वहाँ भी जल का स्तर बढ़ रहा है। किसानों ने कहा कि बर्फबारी और बारिश के चलते उनके खेतों में जल स्तर बढ़ा है, जो फसलों के लिए बेहद लाभप्रद है। इसकी वजह से अब उन्हें दूर प्राकृतिक स्रोतों से पानी सिंचाई के लिए नहीं लाना पड़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अभी संभावना लग रही है कि निकट भविष्य में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई है। अगर ये बारिश होती है तो ये फसलों के लिए लाभप्रद साबित होगी। बहुत आवश्यकता थी बारिश की, हालांकि हो नहीं रही थी, लेकिन अब जो बारिश हुई है इससे बहुत ही फायदेमंद है। जैसे मटर हो गया, हमारी लोकल सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अभी और चाहिए हमें ताकि जो हमारी फसलें हैं वो ठीक ठाक हो सके। सबसे बड़ी बात थी कि जो सूखी ठंड थी उससे बहुत सी बीमारियां होती है, और बारिश के होने से इससे इन बीमारियों से भी निजात मिलेगी और कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है इस समय बारिश। कृषि पर ये मतलब होता है, देखिए हालांकि कहीं कहीं जैसे पानी लगता है, लेकिन जो फायदा बरसात का होता है वो बरसात का होता है। बहुत ही दिनों से इसकी आवश्यकता थी। नए साल पे हमें तोहफा है और हमें चाहिए कि अभी जिस तरह से मौसम है, मुझे लगता है एक दो बारिशें और होगी या बर्फ भी पड़ सकती है। बारिश हुई है ना, इससे कृषि के लिए बड़े भारी फायदे है, लोगों के लिए बड़े भारी फायदे है, और इससे एक किस्म की कई किस्मों की बीमारियाँ मतलब खत्म होती है, और पानी वगैरह के लिए भी इससे काफ़ी फायदा होना है, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश हो नहीं रही थी, पानी की भी समस्या थी, तो थोड़ी इससे भी हल हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो बारिश बर्फ पड़ी इससे बड़ा भारी कृषि के लिए बड़ा भारी फायदा होगा। जो भी मौसमी आजकल की फसलें है, जैसे मटर लगे हुए है और जैसे बागवान के है पलम खमानी वगैरह है, उनको सबको पानी मिलेगा। जब पानी मिलेगा उनको तो उसमें अच्छे फूल आएंगे, अच्छे फल आएंगे, और बाकी जो भी इस मौसम की जितनी भी फसल है उसको सबके लिए इसका बहुत बहुत फायदा है।